नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी तीखा प्रहार और नैया होगी पार। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने खूब तीखे प्रहार किए। फिल्मी किरदारों से लेकर रामायण और महाभारत के पात्रों के सहारे माहौल बनाने का प्रयास किया, एक दूसरे की छवि पर जोरदार हमले किए। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या ये बयानबाजी जनता का मूड बदल पाएगी और आखिर इन बयानबाजी का अगर वोटर पर कितना पड़ेगा सर, इसके आसपास ही आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। एमपी चुनाव में बयानों की बौछार, एक दूसरे पर जमकर किए वार, बयान जनता पर कितने असरदार। कभी जय वीरू, कभी राम और रावण, तो कभी कंस और कभी मूर्खों के सरदार। जी हाँ, ये सारे बयान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जमकर गूंजे। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को जय वीरू बताकर प्रहार किए तो दिग्विजय को बंटाधार कहकर भी बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह दिया, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमलनाथ की तुलना काल सर्प से कर दी थी। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। 4 करोड़ आवास हमने देना है और उस आवास योजना में 47 लाख आवास हमने मध्य प्रदेश में देने हैं और यहाँ कमलनाथ बैठ गया था, वो जैसे बोलते ना कि काल सर्प की तरह। ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी, आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखा है शोले? जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर हैं। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका ने अही रावण और कंस मामा कहकर सीएम शिवराज सिंह को निशाने पर लिया, तो सांबा, कालिया और गब्बर कहकर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यानी कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश करते हुए हर मंच से बयानों के जरिए ही सही अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। यहाँ सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी, लोकतंत्र है इस देश में, जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अही रावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। जहां देखो घोटाला, यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहाँ सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई, घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा। तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले, क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? लाए हम, मेहनत करे हम, ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब अंडा खाए फकीर। कुल मिलाकर इस तरह के बयानों के सहारे दोनों दलों ने एक दूसरे की छवि पर अटैक करने की कोशिश की, तो जय वीरू जैसे बयान को अपने से जोड़कर खुद को हीरो भी बता दिया। हालांकि अब इन बयानों का असर जनता पर कितना पड़ा, किसकी छवि वोटर्स के दिल में हीरो की बनी और किसकी विलन की, ये तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। नमस्कार। और जो उम्मीद नहीं की जाती थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इस बार वो सब कुछ देखने को मिला, चाहे वो पौराणिक पात्रों की बात कर लें या नए संदर्भों में जो नए नए उपमाएँ दी गई। तो आपको लग रहा है कि चूंकि अब तो मतदान में कुछ दिन भी नहीं, घंटों का वक्त बचा है कि किसका क्या असर होगा, लेकिन इन जो चुनावी नज़ारे जो हमने सुनाए भी दर्शकों को, कि इनने कोई छाप छोड़ी होगी या केवल ये जुबानी जमा खर्च किए नेताओं ने? देखिए मनोज जी, ये बड़ा, ये हमारी आवाज़ वो हो रही है, इको हो रही है, लेकिन आपकी आवाज़ ठीक आ रही जी। नहीं मेरी, मुझे सुनाई पड़ रही है। अच्छा, मैं अभी करवा देता हूँ जी। हाँ कर। ये जो राजनीति का स्तर है, ये कहाँ जा रहा है ये कहना बहुत कठिन है। जिस तरह के बयानात दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि जनता पे कोई असर पड़ता है, क्योंकि जनता इनका चेहरा, इनका चाल, इनकी चरित्र सब बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन उसके सामने मजबूरी ये है कि 5 साल में उसको किसी एक सरकार को चुनना है। अब उसमें से मध्यप्रदेश में तो दो ही दल है, कांग्रेस है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। अब उसको या तो इसको चुनो या उसको चुनो, इसके अलावा कोई इसके पास विकल्प नहीं होता है। लेकिन जिस तरह की उपमाएं एक दूसरे के बड़े नेताओं के बारे में दी जा रही हैं, पौराणिक से लेके वर्तमान फिल्मों तक, जैसे किसी ने कहा जय और वीरू है ये, फिर किसी ने कहा कि गब्बर है, अब उसमें तो बहुत से ऐसे पात्र थे जैसे दन्नो कौन है, तो बसंती कौन है, तो मौसी कौन है, और सबसे बड़ी चीज है जो रामू काका कौन है। मुझे तो लगता है कि जनता रामू काका है जो सबकी सेवा कर रही है और ये सब मेवा खा रहे हैं। तो ये जो स्तर है राजनीति का, ये मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। अब चूंकि दिक्कत सबसे बड़ी क्या हो रही है कि जो नए लोग आ रहे हैं जी, जो पहली बार वोट डालेंगे या जिन्होंने अभी की राजनीति देखी है, उनको लगता है कि यही राजनीति का स्वरूप, जबकि पहले के लोगों ने राजनीति का वो स्वरूप देखा है कि जब विरोधी भी बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनने जाते थे और एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रहता था। लेकिन जो बच्चे अभी राजनीति को समझ रहे हैं, उनको तो ये लगता है कि राजनीति इसी तरह की होती है, पर ये बहुत ही खतरनाक है मुझे लगता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर बहुत से लोग राजनीति में भी जाएंगे, दीगर जगह पर भी जाएंगे, तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह के बयान चाहे मोदी जी दे रहे हों, चाहे राहुल गांधी दे रहे हों, चाहे प्रियंका गांधी दे रही हों, मूर्खों का सरदार, कोई झूठों का सरदार, अब मूर्खों का सरदार और झूठों का सरदार दोनों में से किसी एक को चुनना जनता के सामने, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि किसको चुनना। तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं राजनीति, और अगर इस तरफ ले जा रहे हैं तो आगे मुझे लगता है कि गालियां भी शामिल हो जाएंगी कुछ अगले चुनाव तक, तो गाली भी देने लगेंगे एक दूसरे को लोग। तो ये राजनीतिक दलों के लिए सोच का विषय है और हमारे लोगों के लिए भी सोच का विषय है कि जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह के बयानों को कैसे अंगीकार करें, और जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो लोग हैं राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों के नेता है, वो इस तरह के बयान जारी ना करें, क्योंकि ये एक इस तरह की स्थिति बन रही है कि जिसमें अपनी पूरी शर्म हया सब छोड़ कर राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ठीक है कि आपका सिद्धांत अलग हो सकती है, आपकी पार्टी अलग हो सकती है, मनभेद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा हो राजनीति में, ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो एक दूसरे के प्रति इतना घृणा का भाव बढ़ गया है कि किसी भी तरह से सामने वाले की मट्टी पलीत कर दी जाए, उसकी इज्जत की बकिया उधेड़ दी जाए, और ये लगता है मुझे कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्तर है और इस पे निश्चित तौर पे सबको विचार करना होगा। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, ये जो क्या कहा जाता था बिलो द बेल्ट वार नहीं होते थे मध्यप्रदेश में अभी तक, ये सारे इस चुनाव में होते थे, जबकि हमने ये भी देखा कि जब सरकार गई थी इसके बाद भी प्रियंका गांधी ने सदस्यता दिखाई दी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, और सिंधिया ने भी गांधी परिवार के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो मर्यादाएं भी इस चुनाव में टूटती नजर आई, एक दूसरे के खानदान तक चीजें पहुंची, एक दूसरे को नादान पार्ट टाइम तक कहा, ये तो समझ में आता कि आपने पार्ट टाइम अगर पॉलिटिशियन कह रहे हैं। देखिए ये सब पहली बार नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि लगातार इसका स्तर गिरता भी जा रहा है, जिस तरह की चैतन्य जी भी जिक्र कर रहे थे, वो चिंता जाहिर कर रहे थे कि हम क्या अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। तो इसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बड़े नेताओं की है जो शीर्ष पदों पर हैं, वो कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं।
हम उनमें प्रियंका गांधी को भी बड़ा मान लेते हैं, एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, भले ही वो उम्र में कम हो लेकिन पोस्ट पे कद में तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े ही कह सकते हैं आप उनको, राहुल गांधी को और उनको। क्या वो ऐसी मर्यादा रख रहे हैं? दूसरी तरफ हम देख लें कि अटल जी जैसी मर्यादा बीजेपी में रखी जा रही है, तो ये दोनों तरफ से ही हो रहा है। लेकिन उदाहरण बड़े लोग ही पेश कर सकते हैं कि वो नीचे वाली पीढ़ी को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप तो देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं, जो हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जिसमें जिस तरह हम मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल भार उतार कर जाते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जब बात की जाती है तो शब्दों की मर्यादा रहती है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर। लेकिन वहाँ की मर्यादाएं भी अब तार तार होने लगी हैं। आप देखिए किस तरह से बिहार में तार तार हुई, हमने कई राज्यों में देखा है, पहले जूते चप्पल भी चले लेकिन अब वो मर्यादाएं रही नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिम्मेदारी उन नेताओं की नहीं है जो अपनी पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं, परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं? क्या सत्ता में आना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आपने विचारधारा बाकी सब चीज़ें किनारे कर दी हैं? जिस हम किसी एक पार्टी के नहीं, हम कांग्रेस के, यदि इन मुद्दों की बात कर लें मध्य प्रदेश में, तो क्या ओबीसी की जातिगत जनगणना की कभी कांग्रेस ने पैरवी की थी? नहीं की थी, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ने जो विरोध किया था। लेकिन अब वो मुद्दे उनको चाहिए जिससे वोट हासिल कर सकें। तो देश के हित में या समाज के हित की किसी को चिंता नहीं है, सत्ता में आना चाहता है, चाहे खजाना लुटाना पड़े, चाहे आपको ऐसे मुद्दे लाना पड़े जिससे जातियों में बढ़ जाए। तो कोई मुद्दों की परवाह नहीं है किसी को, मतलब समाज की परवाह नहीं है, लोकतंत्र की परवाह नहीं है, सत्ता में किस तरह से हम आ जाएं, इस कारण से हम देख रहे हैं कि बिलो द बेल्ट बार होने लगे हैं। आपको ये नहीं देखा जाता है कि आपको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, आपके परिवार को, खानदान को बखाना जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि जिस दिवंगत हो गया उसके बारे में आप शब्द नहीं कहे जाते थे, लाख बुराइयाँ हों उसमें लेकिन कोई उनकी बुराइयों का जिक्र नहीं करता था। अब तो पीढ़ियाँ जो स्वर्गवासी हो गए उनको तक पहुँचने में कोई परहेज नहीं है। आपको देखिए आप खुद को बेहतर बताने के लिए आप एक तो कर सकते हो कि आप अपना लक्ष्य बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, खुद को बेहतर बताने के आप तमाम तरह के उपाय कर सकते हो, बेहतर अपना घोषणा पत्र ला सकते हो, अपनी तारीफ कर सकते हो, लेकिन उसकी वजह क्या करते हो आप, दूसरे को नीचा गिराते हो ताकि आप खुद ऊंचे दिखने लगो। तो ये जो तरीका आया है ये निश्चित तौर पर घातक है। और आप मनोज जी इसकी ये सोचिए मत कि इस बार मध्य प्रदेश में ये हुआ, ये लगातार गिरना ही है। और जो भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि आप पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हो, वो पीढ़ी जो देखेगी तो वो देखिए, आप अभी तो थोड़ी मर्यादा है क्योंकि आपने वो पीढ़ी देखी है, सुषमा स्वराज की पीढ़ी देखी है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की पीढ़ी देखी है, तो थोड़ी सी मर्यादा है आपको कि आपने बड़े नेताओं से कैसे सीखा है बातचीत करने का, तंज कसने का तरीका। लेकिन सदन के अंदर भी देखा, हाँ, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, लेकिन अब आप किस तरह से वो कर, तो अगली पीढ़ी को आप यही दे रहे हो, जो सिखाकर जाओगे आप वही सीखेगी। आप गालियां दोगे आगे गालियां भी होंगी। आप देखिए किस तरह से घृणा का वातावरण बनेगा, ये दो समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इस पर खासकर राजनेताओं को ही विचार करना पड़ेगा क्योंकि जनता अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है कि एकदम आप ऐसे लोगों को बाहर कर दो। यदि ऐसा होने लगेगा तो अब जाके मुझे लगता है कि नेताओं को सबक मिलेगा कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं या ये माफिया है या इस पर ऐसे दाग हैं इस पर, तब जनता उनको नकारने लगेगी, तब मुझे लगता है कि या तो सबक मिलेगा तब जाकर सीखेंगे। लेकिन उसके लोकतंत्र परिपक्व होना चाहिए कि आप किसी के बयान पर, क्योंकि जनता भी तालियां बजाती है मनोज जी, नेताजी तभी तो बोलते हैं जब वो भाषण दे रहे हैं, मूर्खों का सरदार कह रहे हैं, तो आप देखिए तालियों की गड़गड़ाहट है, पीठ में छुरा घोंसा, परंपरा निभाई परिवार की, प्रियंका गांधी बोलती हैं तो देखिए आप तालियां पड़ती हैं, तो ये ताली बजती है तो इससे उत्साह हो जाता है, उत्साह में ज़्यादा से ज़्यादा बोल जाता है आदमी। तो ये जो तरीका है मुझे लगता है या तो लोकतंत्र में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा या नेताओं को सोचना चाहिए कि अगली पीढ़ी के लिए क्या देकर जा रहे हैं, तब जाकर कुछ अंकुश लग पाएगा, वरना ये कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। आप देखिए कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते थे क्या कभी? बिल्कुल। आप देखिए कि हमने तब सदन के अंदर भी मर्यादाएं तार तार होती देखी, लेकिन चेतनी जी अब जो आपने कहा कि या जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि जो तालियां बजती हैं वो शायद नेता को और आगे बढ़ने के लिए कर देती, लेकिन क्या वोट दिलाने में कारगर है? और दूसरा है जो स्कीम्स की बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों की, कि बहुत हद तक उसके लिए वोटर भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी, क्योंकि अगर वो देखती है, अगर नेता ये देखता है कि अगर दो तीन राज्यों में उसके सहारे सरकार बना लेता है या जुमलों के सहारे अगर उसके वोट बढ़ जाते हैं या किसी विरोधी नेताओं के खिलाफ वो बिलो द बेल्ट तक पहुँच जाता है और उसके समर्थक नारेबाजी करने लगते हैं, हूटिंग करने लगते हैं, तो ये शायद ये ऐसी चीजें हैं जिस पे अंकुश बहुत जरूरी है। देखिए ये बात तो सही है कि जो तालियां बजती हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जो नेता भाषण देने जाते हैं उसमें जिन लोगों को लेके जाया जाता है उनको नहीं पता कि वो किसके भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं। वहां कार्यकर्ता होता है
और जो भाड़े के लोगों को लेके जो पार्टियां जाती हैं वो रहती है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको तो 400-500 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है, खाने मिलता है, बस से आना जाना मिलता है। तो वो जब देखते हैं कि दूसरे लोग ताली बजा रहे हैं तो वो भी ताली बजाने लगे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब जनता कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को सुनने जाती, जबकि हमने देखा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे या इंदिरा गांधी आया करती थी तो घंटों पहले से वहां लोग सुनने जाया करते थे, जिनका कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। पॉलिटिकल लोग तो बात ही छोड़िए, आम जनता सुनने के लिए जाती थी, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह से समाज को जोड़ने की बातें करते थे, वो कहीं ना कहीं संदेश छुपा होता था उनकी बातों में, संदेश होता था निश्चित तौर पर। दूसरी बात जो आप ये जो कह रहे हैं मुफ्तखोरी, मुझे लगता है कि ये देश के नेता है, इस जनता को भिकमंगा ही रहना देना चाहते हैं। वो चाहती है कि आपको हम कुछ कुछ देते रहें और आप हमें वोट देते रहें। सत्ता का सबसे सरल साधन जो आज की तारीख में बन गया है वो बन गया है मुफ्तखोरी। आप किसी को 500 रुपए दे दो, किसी को आप गैस के सिलेंडर दे दो, किसी को आप 1200 रुपए दे दो। तो ये जो एक आदत बन रही है धीरे 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 धीरे, ये आप ये समझ लीजिए कि देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, अकर्मण्यता बढ़ती जा रही। आप जितना पैसा इनको मुफ्त में देते हैं उसकी जगह आप उद्योग लगाएं, उनको रोजगार दें। अब जैसे कांग्रेस कह रही कि हम बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे, अरे भाई बेरोजगारी भत्ता क्यों दो, आप उनको रोजगार दो ना। तमाम तरह की उद्योग लगाए जा सकते हैं, छोटे बड़े तमाम तरह। मुफ्त देने है तो उसको आप शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य तो कोई दे ही नहीं रहा। देखिए सरकारी स्कूलों की स्थिति है मनोज जी कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे चलती है सरकार के बंद हो जाए, क्योंकि एक नियम है कि आपको हर साल आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उसके 25% बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। तो उससे ये हो रहा है कि मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में 500 बच्चे हैं तो वो 2-3 साल में उनकी संख्या 200-250 हो जाती है, क्योंकि 25% आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। तो ये स्थितियां जो आप देखिए, कितने स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कितने स्कूलों में बिल्डिंग नहीं, तो इन तमाम चीजों पे या हेल्थ की बात, ये दोनों चीजें बुनियादी जो है बुनियादी चीजें हैं जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो। लेकिन दोनों में आप देखें कि निजीकरण किस तरह से हावी है और बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, और वो तमाम नेताओं के पार्टनरशिप, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरे। तो ये जो मनोवृत्ति है राजनीतिज्ञों की कि हम किसी तरह से सत्ता पे इन प्रकारण हम सत्ता में आ जाए, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जनता को हम एक मंगा बना दें, उनको कुछ भी दे दें, क्योंकि अपनी जेब से तो देना नहीं है, देना तो आपको सरकारी पैसे से, और वो सरकारी पैसा कहाँ से आता है, आम आदमी से ही लिया जाता है। अभी आपने किसी को दे दिया उसके बाद आपने टैक्स बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ये स्थिति है कि हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एक जमाने में LIC को लोन दिया करता था, इतना सक्षम था, और खड़े खड़े हमारे जमाने में जब सेतु रत्नम यहाँ पर चेयरमैन थे तो उन्होंने खड़े खड़े 50 ट्रक खरीद लिए थे। आज की स्थिति यह है MPB की कि जो लाइनमैन हैं उनकी कमी है और उन लाइनमैनों के पास ग्लव्स नहीं है, फॉल्ट जोड़ने के लिए तार नहीं। तो ये जो मुफ्तखोरी हो रही है उससे तो पूरा देश बर्बाद हो रहा है, बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए। कोई ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये हो रहा, श्रीलंका बर्बाद हो गया, नेपाल बर्बाद हो गया, जिस तरह भी जो और सब हाल के वक्त में हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि हम कोई 2-3 दशक पुरानी बातें कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा तो अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। देखिए आपको अगर कोई भी चीज फ्री मिलेगी तो आपको तो पसंद आएगी ना, ये तो मनोवृत्ति है, आप स्वाभाविक सी बात है। आज हमको भी अगर 20-25 हजार बैठे बैठे मिलने लगेंगे तो हम भी क्यों काम करेंगे। तो ये जो एक अकर्मण्यता बढ़ा रहे हैं राजनीतिक दल, लालच दे रहे हैं, सीधा सीधा रिश्वत हो रही है ये, तो आप रिश्वत दे रहे हैं लोगों को, उनसे बदले में आप वोट मांग रहे हैं। तो ये भी सोचना होगा राजनीतिकों को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान भी लिया है और आपके चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि इसके बारे में आप क्या करने वाले हो या आप इसके ये पैसे कहाँ से लाओ। आप देखिए मध्य प्रदेश में जितना आपका बजट है उससे 1.5 गुना आपके ऊपर कर्ज है, तो ये कर्ज कहाँ से चुकाया जाए, ये कर्ज आम आदमी से ही लिया जाएगा ना। तो ये कोई जेब से तो देने वाली स्थिति है नहीं, नहीं तो ना तो पार्टी, हाँ पार्टी अपनी तरफ से दे रही तो बहुत अच्छी बात, मिलना चाहिए, इतना अरबों खरबों रुपया है पार्टियों के पास, वो अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सरकारी पैसे से जिस तरह, लेकिन वो तो ये भी नहीं बताते ना सुप्रीम कोर्ट में उस चंदे का स्रोत क्या है, क्योंकि उसमें जो नेता हमने देखा कि जो गाली गलौच या जो भाषा कर रहे हैं, मतदाता भी बहुत हद तक उसके लिए जिम्मेदार है, नेता तो है ही, इसका हल क्या है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं चुनाव के समय एक एजेंसी पूरा सर्वे बताती है कि इस नेता की संपत्ति पिछले चुनाव में इतनी थी इतनी बढ़ गई है, इस पर इतने आपराधिक मामले थे इतने बढ़ गए हैं, MP MLA कोर्ट बना दी गई हैं
लेकिन वहाँ भी मामले इतनी धीमे रफ्तार से चल रहे हैं कि वो एक दो तीन चुनाव लड़ लेता नेता, तब तक मुकदमा चलता रहता है। उसकी वजह है ना कि कानून कौन बनाता है संसद में, लोकसभा में या विधानसभा में बैठक कौन है। यदि आपने स्पेशल कोर्ट बना दी तो सुनवाई तेजी से क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए कि आप भी पढ़ते हैं, वही कृषि खेती किसानी वही विधायक जी कर रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं, और उनकी आय बहुत चौगुना तरीके से बढ़ रही है। वो हर बार अपनी संपत्ति में इतना इजाफा कर देते हैं और किसान एक आत्महत्या कर रहा है। तो आप परिस्थिति देखिए ना, आय का स्रोत उनका भी वही बता रहे हैं वो, लेकिन ऐसा कौन सी जादू की झड़ी मिल जाती है उनसे, कौन सा बीज वो बोते हैं अपने खेत में, कौन सी फसल है, कौन सी फसल है जो उनके पास, बाकी किसानों को भी दे दें, वो भी अपनी आय दोगुनी कर लें, कम से कम चार गुनी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो ये भी जनता को देखना होगा ना कि यदि आप आपराधिक अपने जिस तरह से चुनाव आयोग ने गाइडलाइन बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी कि आपको बताना पड़ता है कि मुझ पर इतने आपराधिक दर्ज हैं, तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि नेताजी की संपत्ति क्यों बढ़ रही है। भाई आप जमा समाज सेवा करने के लिए आए हो, आपकी इतनी भव्य इमारतें कैसे बन गई, आप इतने करोड़पति अरबपति क्यों बनते चले, वोट मांगने आप गली में पैदल आए थे और बगल से निकलते हो, फिर चुनाव के बाद तो फॉर्च्यूनर से निकल रहे हो। तो ये जनता ही सबक सिखाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा जनता को लौटा देते हैं, मान के चलिए वो भी आप जनता से लेकर ही जनता को दे रहे हैं। जो मुफ्तखोरी की हम बात कर रहे हैं, इस पर जरूर कोर्ट ने संज्ञान लिया। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो फ्री बीज की योजना है देश के लिए घातक है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद ही की जा सकती है। लेकिन इसके बाद वो भी कह देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल मुक्त दिया जाए। तो आप देखिए कि ये परिस्थितियां कैसे रोकेंगी, यदि लोकतंत्र में नेता ही अपनी सत्ता में आने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देंगे, ऐसी योजनाएं लाएंगे, तो फिर रोकेगा कौन? क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए? कोर्ट ने जिस तरह से तलब किया है उसे बताना चाहिए कि भाई यदि राजनीतिक दल ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं इतनी योजना दूंगा, तो वो उनको कहां से पूरा करेंगे? क्या वो अपने पास से राशि देंगे या किससे लेंगे जनता से? तो ये पूरा एक खाका बनाकर, पूरा रोड मैप बनाकर जनता के सामने रखना चाहिए कि भैया हम आपको यदि 450 रुपये में या 500 रुपये में सिलेंडर ले रहे हैं, तो इसकी हम आवक कहाँ से, हमारे पास हम आपकी दूसरी जेब से पैसे निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? ये भी बताइए कि आप इस चीज़ में हम बढ़ाएंगे, आप यदि पेट्रोल में बढ़ाएंगे, आप डीजल में बढ़ाएंगे, अन्य टैक्स बढ़ाएंगे, अन्य खाद्य सामग्री पर बढ़ाएंगे, तो यहाँ से बढ़ाएंगे यहाँ से देंगे। तो मुझे लगता है जब जनता को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपकी जेब से निकालकर आपको ही उसका कुछ छोटा सा हिस्सा लौटा रहे हैं, बाकी वो अपने पास रख रहे हैं और जो कर्ज हो रहा है उसके ब्याज में अदा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तब जाकर जनता को समझ में आएगा। और जब ज़्यादा अति हो जाती है, जब आप महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हो, एक तरफ आप महंगाई बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ आपको 450 में एक सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर एक महीने में आप खर्च करोगे, दो महीने में आपको लगेगा, लेकिन यदि पेट्रोल डीजल पे आप वही चीज़ बढ़ा दोगे तो मान के चलिए तो रोज आपको बढ़ जाएगा ना। यदि डीजल पे बढ़ा दिया तो परिवहन पे लगेगा, जो आपकी सब्जियां आएंगी, जो भी खाद्य सामग्री आएगी उस पर टैक्स वो बढ़ जाएगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो वो वहां से आपकी जेब से निकालने लगेंगे। देते कम है लेकिन वो देने का जो मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है ना, जो चैतन्य जी भी कह रहे हैं कि आदमी को लेते हुए अच्छा लगता है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि आपकी ही जेब से निकाल रहे हैं, आपकी जेब से निकाल के आपको उसका हिस्सा पहुंचा रहे हैं। जब ये मतदाता को समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है तब ये फ्री बीज की योजना। लेकिन हो सकता है नेताओं को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए वो शायद ऐसे बयान देते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर वोटर बात ना करे, कि वो शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे, सड़क बिजली पानी की ना करे, वो अहिरावण पे चला जाए, वो कंस पे चला जाए, वो खानदानों पे चला जाए, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो निश्चित तौर पर एक कहावत है कि मुफ्त का चंदन घिस में रहे नंदन, लेकिन कब तक? और नेताओं को भी सोचना होगा कि जिनसे पूरी पीढ़ियाँ इंस्पायर होती हैं, हमने कई सारे नेता देखे हैं अतीत में कि आज़ादी की लड़ाइयों के बाद या उसके बाद भी हमने आपातकाल में देखा है कि एक आवाज़ पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे और वो जो कहते थे उसका एक मायने होता था। लेकिन आज के नेता जो कुछ कह रहे हैं कि दर्शक सुनता है, ताली बजाता है, खाना खाता है, घर चला जाता है, लेकिन इससे समाज को क्या मिला, देश को क्या मिला, बल्कि उल्टे इससे व्यवस्था बढ़ती जा रही है, राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि अगली बार जब ये नेता चुनकर संसद में विधानसभाओं पहुँचे तो इस पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।